राम राम जी सारा ने स्वागत है आप सबका अपने एक और नए व्लॉग में। और भाई सब कैसे हो, उम्मीद करते हो सब अच्छे हो गए। तो मन बना ली भाई मेरी चाह, सवेरे सवेरे का टाइम है। ये देखो बच्चे हो, अजयानवी कह के सोई थी रात ने, बोली मम्मी मैंने जल्दी जगाई हो, मैं वो करूंगी के नाम है स्कूल का काम करूंगी। तो अनवी में गर्म पानी लिया, उठ जा बेटा, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। और मेरी माँ भी उठ गई, राम राम कर दो। राम राम जी। ओ बोर सुते भाई हरसू, उठी अर्जेंट में। अनवीनू कहेगा सोई थी रात ना, बोली स्कूल का काम करूंगी मम्मी मैंने जल्दी जगा दी, मुझे जल्दी जगा दूंगी। ला अरे देख लिया उठने को लग रही, उर्जन भी देख लियो सुन लग रहा है। उठी बेटा खड़े ये चाह पी लियो भाई, उठ जी बेटा हैं लंच में। उठी है को नहीं, पहला इसने लंच की चिंता की, देख लियो हैं। पहला उठ तो जा बेटा, फिर बनाऊंगी लंच। तो अभी तो टाइम रह रहा लंच में, तो राइस बनाती हो ना? मैं कौन बनाऊं रोज की रोज, चावल रोज कौन खाए बेटा? मैं कौन बनाऊं ना उठे तो। अरे रात ने यह बात कह के सोई थी, अब उठ दे फिर भाई बात चालू कर दी इसने। ये पिछले दिन में बिहारी तो नहीं थी, मन तो इसे बनार लग गया जुड़ बिहारी हो ये पिछले जन्म में। रोज चावल बता। अरे ये देख लियो गुल्लू गुल्लू मुल्लू, उठियो काम कर ले बेटा, स्कूल का पढ़ा करा थोड़ी देर। सवेरे सवेरे उठ के उठिए और पानी पी ले, गर्म पानी ले आई। उठिए उठ। गुड मॉर्निंग गाइस। ए मैं तो बेटी के सेरे सेरे बोले को नहीं कहते, मैं तो गुल्लू मुल्लू का सवेरे सवेरे। बेटा उठ गया है, छह भी कौन बजे यार इतनी जल्दी उठ गया है नी। मैं खाना बना दूँ फटाफट, रायता रोटी उरे हो गया है भाई। बच्चा का जो है गर्म पानी, बच्चे मैंने जगा दिए हैं और उठ भी गए हैं भाई बच्चे, एक दो बार कहना था तो ये बच्चा ने नुआया करना, फटाफट बिस्तर में घुसा दूंगी क्योंकि भाई एकदम नुआया करना, फिर एकदम स्कूटी पर लेकर जाऊंगी, फिर इनका ठंडी मतलब हवा लगेगी स्कूटी पर, फिर ये दोबारा बीमार हो गए। तो पहला मैं बच्चा नुआऊँ भाई और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और रई भी मैंने लगा दी है पीछे चालन आ रही, देख लियो। और मेरी माँ भी उठी है, मेरी माँ उठकर नहीं मैं इसने बांध देगी और फिर दूध काट लेगी बस। बच्चों का खाना भी हो गया तैयार, रायता और चावल। मानने कौन भाई बच्चे बिना चावल खाए, बिना मैं चावल लेके जाऊँ हैं। और साथ के साथ लगा दी मैंने मशीन और मेरी माँ निकालने लगी भाई घी। और बच्चे ना आगे इतना लिट गए हैं, मैंने इतना खाना बनाया, बच्चे तैयार कर दियो। मम्मी जी खाना ला दो, खाना बन गया बेटा ला दो रायते के साथ। बाय 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 गाइस, बाय बाय। बच्चे मैंने कर दिए हैं तैयार और बोतल खातर भाई स्कूल में लेके जाओगे पानी, तो मैंने गर्म पानी भी कर दिया बच्चों का और डाल दूंगी फटाफट तक बोतल में। इस साइड के जो झाड़ू पोचे हैं वे हो गए हैं और कपड़े भी धो दिए हैं और सारा देखो आंगन उंगना ये भी सारा धो गया है। और ये मेरे सारे पौधे ये नुहा दिए हमने, ये देखो सवेरे सवेरे सारे नहा धो लिए हैं, देखो कितने इस तरह लागन लगे। मेरे पड़ोस में निकलने लग रही है जीरी क्योंकि भाई देखो सबकी निकल गई थी, बस इन्हें इनकी रह रही है। तो आज उरे भी लग रही है कंबाइन, रोटर टिखाई है और इबो है मेरा काम जो है सारा का सारा कंप्लीट। तो कपड़े कपड़े धो दिए आज मैंने, सारा आंगन उंगन मतलब सारा काम बन गया है। टाइम हो गया है 12:15 का टाइम हो गया है और ईब बैठूँ भाई मैं मशीन पर थोड़ी देर मतलब 2-1 घंटे, फिर बच्चे ने जान कटे मुझे 2:30 बजे से। तो आज सिलने मैंने मेरी माँ का सूट, एक कद का देखो यो ये वाला कद का मैंने कैट के ना गेट रखा है। तो आज सिलूंगी मैं यो सूट भाई। और पहला तो सूट सिलने में तो पहला तो चाह पियोगे चाह, चाह पीनी है फिर पीनी। तो भाई सूट सिलने तो पहला एक बारी थोड़ी सी चाह पी लूँ। एक बारी चाह मैं मेरी बना लिया हूँ और वीडियो का चक्कर में अदरक गिरना भूल गई भाई चाह में, तो बिना अदरक की पीनी पड़ेगी। लिया देखो कितना बड़ा कठोर वर्क लिया हूँ चाह का, दिया मैंने सील मेरी माँ का। ये देख लियो भाई कुर्ता कुर्ता सी लिया, देखो तो कद लग गई थी, आधा घंटा में सीमें आ गया, 15-20 घंटा में 12:30 बजे लगी थी मैं, 1:30 बजे
पौना घंटा में सी बयाली सौ गया, फिर तो सवा घंटा लग गया। सवा घंटा में कुर्ता कुर्ता सी लिया, बता देखियो सही सिम क्या के सलवार रहेगी। कुर्ता तो 15 दिन में सिलिया है, सलवार कै दिन में सिम कुर्ता 15 दिन में सिमया तो सलवार कै दिन में सिमनी चाहिए, देख लियो आप। तड़का था ही है इतना ना हो कोनी कमाल है, देख लियो भाई। जिद जिद नया सूट सिमागा नहीं, जिद ना होगी इतना ना हो कोनी। बुढ़ी लुगाई इनके ब्लैकमेल करो फिर तो मैंने बताया सूट सीमा का जी देना हो गया। चलो देखोगे करांगे कोशिश, कली जोड़ दूंगी पैंचे फिर बना दूंगी दुपहर पाछ। ये बड़का नहीं लिया टाइम हो जाएगा, ये मेरी माँ का मतलब शांति नहीं होने ला रहा। देख लो आपकी सलवार है नी, आपे सीमन ला गई, देख लो भाई कौन शांति होंगी है। देख लो सिमन लग गई आपकी सलवार, आपे सही है। फिर सीम लियो, मैं ले आऊं बच्चा नवाज के 2:30 बज गए। कल की छुट्टी है? कल की छुट्टी नहीं है मेरे पास, मैसेज आ लिया स्कूल मत है। कल सेकंड से तेरे की छुट्टी होनी चाहिए, फिर क्यों कुछ हुई बेटा? या घंटी से केले रात में न्यू बन फेंक क्या कर बेटा, माते ने चाल ले लिया आपकी। मेरी यो मेरी माँ पार्टी बैंदर पे, इन्होंने सोचियो कि मैं हो गया चूड़ी पैर के आई थी तो चूड़ी लग गई रात में, और माखी बैठे थी ज्यादा पार्टी बैंदर की है ज्यादा पार्टी बैंदरी कदे नु सोचो भाई दिखाई हो, कदे नु सोचो की हो रहा है के बैंदरी है। चूड़ी पैर के आई थी तो चूड़ी लग गई, मेरी माँ के हाथ जमानू मतलब भारी है नी, ज्यादा चूड़ी पैर के आई थी तो माखी लग गई थी उरे, तो मेरी माँ ने देसी जुगाड़ कर लिया देसी जुगाड़। माँ पर सीख लो बेटा, किसी नहीं आंदे हो तो नी। अरे बेटा पौधों की कटिंग कर रहा हूँ। पौधों की कटिंग कर रहे हो? हाँ। अच्छा ये पीले पीले पत्ते हैं ना, काट रहा हूँ। आपके पास कोई खाली बोतल है छोटी? ना बेटा मेरे पास नहीं है। चलो बेटा कटिंग कर दो, ठीक है अच्छी बात है। देखो जो पीले पीले पत्ते हैं उनको कट कर रहा हूँ। बेटा पतझड़ ऋतु आओगी सारे पत्ते झड़ेंगे बेटा, ये मैं कट करूंगा। कर दो चलो, ये वो देखिए वो पीछे लुक रहे बेटा, उसकी बाहर निकाले एक बारी। ये देखिए सदाबहार का पौधा, ये लुक रहे बाहर निकाल इसकी। हाँ इसकी उड़ी साइड निकाल ली थी। मम्मी पतझड़ कब आएगी? पतझड़ आ रही बेटा, ये तो बेचारा तुम्हारे लुक रहा है बेटा, ये देखिए इसने इस साइड कर दे उड़ा। ये तो मैंने देखे संभाले कौन बेटा, कितने दिन हो गए। और ये देखिए यो भी इसकी भी बाहर निकाल, इसमें बेटा पानी कौन डाला, देखिए एक साइड था देखिए। चल बेटा कटिंग कर ले, मैं और कुछ कर लू काम है। ये मेरी माँ देखो लाग रही है सरसों का साग काटन, ये देख न्यू काटा दे न्यू गीत गाने ला रही न्यू बैठी इस तरह देखियो और मैं लेके बैठ गई हूँ मेरा पिटारा लहसुन। मैं चलूंगी घना सारा लहसुन, क्योंकि सरसों का साग में भाई मैं अब्बल सारा लहसुन गिड़िया करा बहुत सारा, तो मैं अब ले लहसुन छोलूंगी सारा इठा लिया, जितना छोले जाओ उतना छोलूंगी चाहे तो बोली सासरा जाओ को नहीं बिक जित उल्टे आओ करने को है तो मैं लहसुन छोलू और ये इतना चिर लगी भाई साग। भाई मैं भी मेरा काम है जो वो लग जू फटाफट, ये मेरे तो पहला मतलब मेरे तो पहला नहीं है गंडल काट दे, उससे पहला मैं लहसुन छोलूंगी, बाकी इनकी बाकी कौन छोल सकते न्यू देखिए जिन्हों कीड़ी न्यू मतलब स्त्रियाँ इस तरह अलग अलग जुड़ू इनका दर्द हो इनका कि इनका दर्द हो देखियो काटो ला लो फिर इनका दर्द हो न्यू बाकी मन ने उस दिन काटी नहीं परसों बनाई अपने अकाल बनाई थी काल बनाई थी मन तो पूरे पूरे काट रखे थे डोडरू से डोडरू से है सानी काट रखी थी मैंने इस तरह काट रखी थी इतनी बेइज्जती मेरी ओहो हो बस सुन लियो इन कई स्त्रियां काट रखी जिन्हों मैसा खातर सानी कूट रखी वो भी के करके गंडा सा तार का बाकी सच्ची मैं मेरी माँ देख लियो जुमा ननी ननी काट लग रही जुमा ननी ननी देख लियो जुमा बाकी मेरे तो इतनी ननी कौन कटा जितनी आप काटो
और पालना कर रहे पालक भी गेड़ांग भाई आ जाला। मैं तो उस दिन तो पालक उस दिन तो मैंने नीवे बनाई दी थी ट्रंप ट्रेली सी मेरी माँ बनाओगी नू बढ़िया तरीका तक पालक पुलक गेड़ करने सही जमा है। मैं मेरा काम कर लियो मैं बात ना लग जूंगी बस। देखो पापड़ तो इतने लिकड़े इसका मैं तो लसन मैं तो लसन इतना लिकड़ा ये देखियो बताया एक मुठ्ठी लसन की हुई है देखियो और पापड़ है ना पापड़ देखियो कितने अरे ये कटगी है के कह करो आप इसी गंदल है गंदल नहीं गंदल है गंदल कटगी हरी कटेगी पालक है पालक ने के कह करो पालक ने पालक कह करो देख लियो बगड़े की नर नरी बात है आप मामे छल रोटी दे रहा करो तो छलना कह करो और आप के कह करो न्यातनो तो भाई न्यातनो ले आइयो न्यातनो बता भाई सुन लियो बात है नहीं नहीं बात है सुन दे रही हो एक आधी रोज बता दिया करूंगी खीरे मैम तो वो कया करा आपकी कृषि कृषि करसी ला दे भाई करसी ला दे आग आग ला दे नु कह कर आप खीरो खीरो ला दियो डंगन कह दियो कुटलो घनी चीज सी न्यारी न्यारी है रोज की एक दो बात बताया करांगे बाकी दो बात बता दिया छालना ने तो कवे न्यातनो और करसी ने कवे खीरो खीरो ला दे भाई खीरो मेरा ये सारे पापड़ खिंचेंगे उरीब मैं बना ली रोटी मतलब मेरा आप खातर मां ने तो खा ली और पोली सारे ने मेरा पर ओ मेरे पापा रह रहा बस सब्जी में सरजेगा गेट खुला है छोड़ रखे नू कहूं थी मैं ना छोटा गेट खुला छोड़ रखे अच्छा देखो कि तम बिल्कुल चैची चुप है बिल्कुल जमा किसी चीज की कोई भी आवाज नहीं आती और गम में तो बहुत आवाज आवा रेडियो बाजर बहुत कुछ मतलब ये है चाचा भतीजा चाचा भतीजा की लड़ाई देख लियो और रसोई की हालत देख लियो भाई मम्मी ने खाना पीना खाया है अरे मेरे पापा आए हैं खेत में तो ही बनाऊंगा मेरे पापा खातर टाइम कितना हो गया टाइम हो गए हैं 7 बज गए हैं बान बुन कर रहे थे भाई खेत में तो ही मेरे पापा खातर बनाऊंगी रोटी और उसके बाद में करूंगी सारा रसोई साफ। एक बार देखो किसी रसोई क्या हालत हो रही रसोई की देखो दूर दूर तक देखो कहीं खेत में आया हो बीच में डर ना रखे हो कितने रोटी खाओ दे जा अरे सका हो बोले करना दादो आन लाग ले कहीं सब्जी खाओ दे जा नहीं बता दियो आ चुके हैं क्या लेके आए हो क्या लेके आए पुनिया साहब पापड़ी मुट्ठी में दिखाओ के ले रहे हो पापड़ी लाए हैं बाकी चंडीगढ़ का उड़ा तक के मिल आई मार खातर सामान भाई मेरे खातर सच्ची में झूठ की बात कोनी एक बोरी सामान की लाए मेरे खातर दिखाऊं कोनी ब्याह में दिखाऊंगी सारा सामान ही कौन दिखाऊं पहला है नहीं हो और कि मैं राम रूम कर दे राजी खुशी फिर नू तो कर दो मेरी पापड़ी दो जाड़ तो फिर दुखे जाओ बेटी जाड़ खातर नू थोड़ी भी जाड़ दुखो तो खाना बंद कर दू खाना बंद करो ना ना दे उड़ना तो 9:30 हो गए भाई यहाँ बोले मेरी माँ का ध्यान देख लो पूरा का पूरा तुम टेलीविजन में है तुम पूरा का पूरा नाटक चल रहा है सरस्वती चंद्र हर्ष क्या कर बेटा देखो नींद आएगी उसने तो आज का व्लॉग छोटा मोटा जिसा भी बनाया वही बना दिया तो किसा लग गया लाइक शेयर कमेंट कर दियो चैनल ने कर लियो सब्सक्राइब तो सारे ने गुड नाइट बाय बाय कर दियो अभी न्यू बच्चा मैं गाइस की करता हूं वो वीडियो ने लाइक सब्सक्राइब और को बैठ करो हैं ये बोल
मैंने राइस की कट्टा और ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर। अच्छा सो बेटा तो बाय कर दे, गुड नाइट करो फटाफट जल्दी से। रूस रहे भाई ये आप तो रूस रहे हैं तो मैं लाइक कर दे करो वीडियो लाइक शेयर कर दे करो और कमेंट कर दे करो। ठीक है गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बाय बाय।